हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे वाला मालपुआ। तो मालपुआ के लिए देखिए, सबसे पहले जो मैदा है, मैदा को 3 से 4 घंटा पहले उसको मिक्स करके मतलब पानी में रख देना है ताकि अच्छे से भीग जाए मतलब। और इसमें देखिए थोड़ा सा सौंफ ली हूँ और इसमें जो देखिए काला काला दिख रहा है वो कलौंजी है। कलौंजी भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो कभी कभी मतलब ऐसा बना करके खाना चाहिए ऐड करके। तो इसमें हम देखिए सबसे पहले हम जो अंडा है, अंडा को हम फोड़ लेंगे। और यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा पीला कलर ले लेंगे, इसको हम थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आटा मिक्स करके हो गया अच्छे से, इस तरह से मिला लेना है। अब हम यहाँ पर देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए है, अब हम तेल ले लेंगे। तेल गर्म होने को रखेंगे, तेल कम से कम 150 ग्राम लेना है यहाँ पर। थोड़ा फास रहेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक कप है, कप में हम थोड़ा सा तेल लेंगे और तेल से जो है ना कप को इस तरह से भिगा लेंगे ताकि जो आटा है गिरने में आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए कप में हम पहले आटा ले लेंगे। देखते हैं कैसा मालपुआ बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चूल्हा को बिल्कुल कम करी हूँ, कम करके बनाना है। और मैंने थोड़ा सा सोडा ली, मतलब सोडा लेना जरूरी है। सोडा लेने से क्या होगा, आपका जो ये है ना वो फूगा फूगा बनेगा, चिकना बनेगा। इसके लिए सोडा जरूरी है, हल्का सा लेना, एकदम ज़्यादा नहीं है तो क्या है पूरा तेल सूख लेगा। तभी देखिए एक बनाई हूँ, एक ही बिना सोडे के, ये सोडा वाला है और ये देखिए दूसरा वाला है। तो इस तरह से देखिए मालपुआ बनाते हैं तो बहुत बेहतर मालपुआ बनेगा। तो इसी तरह से देखिए सभी मालपुआ को बना लेना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन बन रहा है। अभी चाशनी हम बताएंगे, चाशनी तैयार है, थोड़ा सा गर्म करके इसको ऐड करना है। घर में मतलब एक रेसिपी बनाई थी, उसकी चाशनी बची हुई तो आप काम में ले सकते हैं, बाद में बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा मालपुआ बन के माशाल्लाह तैयार हो चुका है। यहाँ पर एक पीछे की कढ़ाई में है, उसको आराम आराम से सेक लेना है। यहाँ देखिए चाशनी बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हम चूल्हा को ऑफ कर देंगे और अब जो बना हुआ है उसको हम उसमें ऐड कर देंगे, जो चाशनी है उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करके थोड़ा 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे, फिर निकाल लेंगे। इसको अच्छे से सेक लेना। देखिए यहाँ पर पूछा छूने तो ये देखिए ये मालपुआ, तो ये दूर से बन जैसा दिख रहा है, जो एक पाव आता है इस तरह से। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सभी मालपुए बन के तैयार हो चुके हैं। इधर चाशनी में डूब चुका है, डुबा चुकी हूँ, उसको थोड़ा देर तक रखना है इसमें। और यहाँ देखिए जो भी ये लगा हुआ है तो एक और बनेगा, तो इसको हम बना के हटा देंगे। इसको थोड़ा और सेकना है, गोल्डन कलर का सेकना है अच्छे से। तो ये देखिए बन चुका है। अब थोड़ा सा देखिए इसमें और मसाला है, तो इसको हम लास्ट में बना लेते हैं। यहाँ पर एकदम जीरो, तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट का था ना वो हाथ पर के जैसे बन गया माशाल्लाह। देखिए तो यहाँ पर बन चुका है, चूल्हा को हम ऑफ कर देंगे, थोड़ा हम सजा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिना चाशनी के है और यहाँ पर देखिए चाशनी वाला है, तो इसको हम बाद में भी डुबो करके खा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मतलब एक ही साथ में डुबोने का और ऐसा खाने का, बाद में भी डुबा करके हम निकाल के खा सकते हैं। देखते हैं तोड़ करके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आ जाइए आप सबको, अगर से खाला के हाथ का मालपुआ खाना है तो आ जाइए खाले के घर पर खा के जाइए।
जब भी दिल कहे आप आ सकते हैं, चाय पीना है, कॉफ़ी पीना है, क्या खाने का है, तो इतना खिला सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मतलब। और हम खुल के जीते हैं, देखिए हम मतलब ऐसा मन में ये रखे कि जीते नहीं है, इंसान को खुल के जीना चाहिए। तो मैं एक लाइन नासरी पढ़ना चाहती हूँ मालपुआ की खुशी में। सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, सबसे सुंदर हमरे आका के दरबार लागेला, यानी तैबा नगर में जन्नत के बाजार लागेला, यानी तैबा नगर में जन्नत के बाजार लागेला। तो देखिए आज की रेसिपी अंडा वाला मालपुआ है। तो आप सबको अगर से रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, खुदा निगहदार।